यार बार्बी तो हम सबकी फेवरेट होती है, पर ये वाली बार्बी डॉल ना बहुत ज्यादा ही क्यूट थी यार, तो मैंने इसे परचेस कर लिया। तो चलिए, बार्बी को ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो चलिए हम लोग ना इसके लिए ना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फूड के लिए तो सबसे पहले हम लोग को प्लेट इसकी बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एम्प्टी मेडिसिन रैपर। तो चलिए इसको ना अच्छे से कलर कर देंगे, पिंक कलर का कलर करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे छोटा सा स्पून था, तो चलिए इसको ना क्रिस्टल स्टिकर से डेकोरेट कर देते हैं। तो चलिए इसकी प्लेट एंड स्पून को बहुत क्यूट सी डेकोरेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास बहुत सारे फ्रूट सीक्वेंस है, तो चलिए यहाँ पे ना ये फोर उसमें हम लोग सारे फ्रूट सीक्वेंस ऐड कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारी बार्बी हैप्पी हो गई क्योंकि उसका फूड प्रिपेयर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट, मुझे ना कमेंट में फटाफट से आप बताइए कि आपको ना बार्बी डॉल क्राफ्ट में क्या देखना है। अगर आपको देखना है कंप्लीट किचन एक्सेसरीज में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर लेकर आ जाऊंगी। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो स्कूल सप्लाईज ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपनी बार्बी के लिए स्कूल सप्लाईज बनाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मिनी नोटबुक अपनी बार्बी के लिए। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे मैंने बहुत सारे वाइट पेज लिए, उसे देखिए स्टेपल कर दी हूँ। एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेपलर को हाइड करने के यहाँ पे मैंने BTS का सेलो टेप यूज की हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग बुक लिख देंगे, दैट्स इट, हमारी बार्बी की बुक तो रेडी हो गई है। तो चलिए, सिर्फ बुक तो लेके नहीं जाएगी वो स्कूल, तो यहाँ पे उसको पेंसिल इरेजर एंड स्केल भी तो चाहिए। तो फर्स्ट चलिए यहाँ पे हम लोग पेंसिल बना देते हैं। यहाँ पे मैंने वुडन स्टिक का यूज किया। सो वन बाय वन यहाँ पे हमारी बार्बी की स्कूल सप्लाईज रेडी होती जा रही है, तो इसी बात पे प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल एंड बुक तो रेडी हो गई, चलिए यहाँ पे इरेजर भी रेडी कर देते, ये भी रेडी हो गया। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग अपनी स्केल रेडी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कूल सप्लाईज में जो बेसिक चीज होती है सारी बार्बी के पास आ गई, तो अब वो स्कूल जा सकती है। हमारी बार्बी को बर्थडे पार्टी में जाना है पर उसके पास तो बर्थडे ड्रेस ही नहीं है। No. लेकिन हम लोग अपनी बार्बी को पार्टी में भेज कर रहेंगे, तो चलिए बनाते हैं अपनी बार्बी के लिए एक अमेजिंग सा बर्थडे ड्रेस जो कि होगा नो सी यू ड्रेस। तो है ना अमेजिंग आइडिया, तो अभी से वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना हैंकरचीफ ली, मेरे पास 4 कलर की हैंकरचीफ थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पिंक कलर चूज की बिकॉज आपको पता है मुझे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए पहले बार्बी का हेयर टाई कर देते हैं, इसका ये वाला ड्रेस रिमूव कर देते हैं, अब हम लोग इसको बर्थडे ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इसकी प्लेट्स फोल्ड करना है टॉप की तरफ से, एंड प्लेट्स देखिए कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है, फिर सेंटर से आपको रिबिन टाई कर देना है। तो देखिए जैसे जैसे मैं करी आप वैसे वैसे करना, तो देखिए बहुत अमेजिंग सा बर्थडे ड्रेस है, आपकी भी बार्बी का रेडी हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी बार्बी का बर्थडे ड्रेस रेडी हो गया, अब वो पार्टी में जाएगी। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी बार्बी को नींद आ रही है पर उसके पास तो बेड ही नहीं है। तो चलिए बनाते हैं अपनी बार्बी के लिए एक अमेजिंग सा बेड। सो इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे मैंने ले ली हूँ कार्डबोर्ड बॉक्स, उसके पर यहाँ पे मेरे पास था जूट का मटेरियल, मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स पे अच्छे से कवर कर दी हूँ। एंड देखिए टॉप की तरफ यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज ली हूँ, एंड इसको भी देखिए जूट का मेरे पास दूसरा मटेरियल था, बहुत अमेजिंग सा है, मैंने क्राफ्ट स्टोर से खरीदी थी। इसको ना हम लोग यहाँ पे पुशपिन के हेल्प से यहाँ पे इस पे कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बेड का बेस एकदम रेडी हो गया, बहुत अमेजिंग सा, एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है ना। कमेंट में बताना आपको भी अच्छा लगा क्या। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को स्टिक कर देंगे, तो बेड का देखिए बेस रेडी हो गया। चलिए पिल्लो बना देते हैं यहाँ पर, तो यही वाले मटेरियल का मैंने यहाँ पे बनाई हूँ स्टेपलर के हेल्प से। तो देखिए बहुत इजी वे में रेडी हो गया, यहाँ पे बार्बी का बेड रेडी हो गया, अब वो आराम से सो सकती है। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो स्कूल बैग ही नहीं है। तो चलिए बनाते हैं बार्बी का स्कूल बैग। तो यहाँ पे मैंने ना ग्लिटर शीट ले ली हूँ पिंक कलर की, तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं फेविक्विक का यूज करी हूँ, उससे बहुत अच्छे से स्टिक होता है। यहाँ पे वेलक्रो का यूज करी हूँ, एंड हम लोग यहाँ पे क्यूट सा बार्बी का बैग बनाएंगे, एंड फिर वो मजे से स्कूल जा सकती है, उसको टीचर डांटेगी भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे बार्बी का बैग बिल्कुल रेडी हो गया, तो चलिए इसकी डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना क्रिस्टल स्टिकर्स लिए, ये भी पिंक कलर की, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने अपनी अच्छे से डेकोरेशन भी हो गया, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए बैग तो रेडी है, इसमें जो हम लोग ने बुक बनाए थे, तो चलिए ये ऐड कर देते हैं, इसकी बुक पेंसिल इरेजर, तो ये आराम से अब स्कूल जा सकती है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना, एंड फटाफट से कमेंट में बताना कि आपको बार्बी के लिए कौन सा नेक्स्ट DIY देखना है। और आज की इस अमेजिंग वीडियो के लिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो सारे सब्जेक्ट की बुक्स ही नहीं है।
कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बार्बी के सारे सब्जेक्ट की बुक्स बना के दे देते हैं उसे, ताकि वह आराम से स्कूल जा सके। एंड हमारी बार्बी अभी प्राइमरी सेक्शन में, तो इसलिए अभी इसको सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इसलिए यहाँ पे हमें 3 बुक बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक, डार्क पिंक एंड पर्पल 3 कलर की ग्लिटर शीट ली हूँ। तो चलिए इससे हम लोग आउटर कवर रेडी करेंगे। आउटर कवर स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैंने फेविक्विक का यूज किया, तो उसको बहुत इजीली यहाँ पे स्टिक हो गया। तो देखिए यहाँ पे तीनों बुक बिल्कुल रेडी हो गई। कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। वैसे यार ये क्यूट सी मिनी बुक बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है, तो इसी बात पे अभी से वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए चलिए जी, हमने यहाँ पे बार्बी का बैग बनाया था क्यूट सा, उसमें ना ये तीनों बुक रख देते हैं। एंड ये बार्बी बैग में काफी अच्छी स्पेस है, तो देखिए तीनों बुक अच्छे से इसमें आ गई। फटाफट से कमेंट में बताओ कि आपको बार्बी के लिए कौन सा नेक्स्ट DIY देखना है। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो पेंसिल पाउच ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपनी बार्बी के लिए मिनी पेंसिल पाउच रेडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट ले ली हूँ पिंक कलर की। इसकी दोनों साइड के एजेस ना हमको फेविक्विक से सील कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल केस का बेस रेडी हो गया। इसमें यहाँ पे मैंने क्यूट सा स्टिकर स्टिक कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्यूट सा पेंसिल केस रेडी हो गया। तो चलिए अभी ना यहाँ पे ना कलर पेंसिल नहीं थी बार्बी के पास, सिर्फ पेंसिल थी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ना कलर पेंसिल बनाते हैं बार्बी के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 कलर्स की बनाई, कितनी क्यूट लग रही है मिनी सी पेंसिल कलर। तो चलिए इसके पेंसिल केस में रख देते हैं। यहाँ पे जो इसकी पेंसिल भी बनाए थे हमने वो भी रख देंगे। वैसे बार्बी का पेंसिल पाउच बिल्कुल रेडी हो गया, आराम से स्कूल जा सकती है। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो ज्योमेट्री सेट ही नहीं है। आज तो उसका मैथ्स एग्जाम है, तो चलिए बनाते हैं बार्बी के लिए ज्योमेट्री सेट। इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे ले लेना है हमें ट्रांसपेरेंट शीट, जो थोड़ी हार्ड होती है। नेक्स्ट हमें लिखना है ग्लिटर शीट। एंड देखिए कुछ ज्यादा ही स्मॉल है, इसे हमें ट्वीजर के हेल्प से ही प्लेस करना होगा। तो देखिए इस पे हमें ना स्टिक कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे फेविक्विक के हेल्प से स्टिक किया, तो बहुत इजिली स्टिक हो गया। तो चलिए ब्लैक मार्कर से हम इसकी यहाँ पे मेजरमेंट भी ले लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बार्बी के लिए ज्योमेट्री सेट रेडी हो गया। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो टिफिन बॉक्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपनी बार्बी के लिए टिफिन बॉक्स बनाते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया मेडिसिन रैपर। इसको देखिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कट कर देना है एंड टॉप की तरफ देखिए शेप देना है, जिससे हमारी टिफिन अच्छे से क्लोज हो सके। एंड देखिए शेप देने के बाद यहाँ पे मैंने रेड कलर का कलर कर दी हूँ, एक्रेलिक कलर अच्छे से। तो देखिए पहले जो मैंने यहाँ पे शेप दी उससे कितने अच्छे से टिफिन जो क्लोज हो रही है। यहाँ पे देखिए कटर के हेल्प से मैंने इसे कट की हूँ। तो देखिए यहाँ पे टिफिन का बेस बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए इसमें वाटरमेलन रख देते हैं। एंड समर में वाटरमेलन खाने की तो मजा ही कुछ और होती है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए हम लोग बार्बी के टिफिन में भी वाटरमेलन रखते हैं। तो चलिए इसको कुछ क्यूट सा डेकोरेशन कर देते हैं। यहाँ पे इसकी टिफिन बॉक्स रेडी हो गई। बार्बी को स्कूल जाना है पर उसके पास तो क्राफ्ट सप्लाईज ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपनी बार्बी के लिए क्राफ्ट सप्लाईज बनाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने मिनी कलर पेपर बना दी हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डिजाइन टेप बार्बी के लिए। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है, 2 हम लोग ने बनाए डिजाइन टेप। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ग्लू, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है क्राफ्ट सप्लाईज के लिए। तो चलिए इसे भी हम लोग पेपर से बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्लू भी रेडी हो गया। फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कि आपको बार्बी के लिए नेक्स्ट कौन सा DIY देखना है। तो देखिए यहाँ पे ग्लू भी रेडी हो गया एंड बहुत सारी क्राफ्ट सप्लाईज बार्बी के पास रेडी हो गया। अब आराम से स्कूल जा सकती है। बार्बी का स्कूल जाना है पर उसके पास तो बुकमार्क ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपनी बार्बी के लिए बुकमार्क बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली हूँ पिंक कलर की ग्लिटर शीट। तो देखिए इसे बुकमार्क शेप में कट कर देंगे, टॉप की तरफ पंच होल कर देंगे। एंड देखिए बुकमार्क का बेस रेडी हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग ये थ्रेड को इंसर्ट कर देंगे एंड दैट्स इट, हमारा बुकमार्क रेडी। सो फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कि आपको बार्बी के लिए नेक्स्ट कौन सा DIY देखना है। तो चलिए यहाँ पे जो हमने 3 बुक्स बनाए थे बार्बी के लिए, उसमें हिंदी बुक में हम लोग बुकमार्क रख देते हैं। अब बार्बी आराम से स्कूल जा सकती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दी आप बार्बी का पूरा फुल हाउस बनाइए, तो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। जब तक आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर, बाय।